और कोलकाता से बड़ी खबर ले रहे हैं। महिला रेजिडेंट की हत्या के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आज भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। पहले से ज्यादा सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल है। तो हम आपको बताते चलें कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की महिला रेजिडेंट की हत्या के खिलाफ आक्रोश तेज होता नजर आ रहा है। प्रदेश में आज दूसरे दिन हड़ताल जारी है। जयपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर समेत प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है। मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने कैंडल मार्च निकालकर हत्यारे के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि पहले से ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जाए रेजिडेंट डॉक्टर्स की। और इन रेजिडेंट्स का कहना है कि देश के अधिकांश अस्पतालों में सुरक्षा का माहौल नहीं है और उन्हें हमेशा भय के वातावरण में काम करना पड़ता है। रेजिडेंट्स ने कहा है और सरकार से मांग की है कि देश भर के अस्पतालों में स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ भयमुक्त होकर काम कर सके। रेजिडेंट्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं और वहां भी सीनियर चिकित्सक और नर्सिंग अधिकारी ही ड्यूटी दे रहे हैं। नर्सिंग अधिकारियों की एसोसिएशन ने भी रेजिडेंट्स हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। तो एक बार हम आपको फिर से अवगत करा दें कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की महिला रेजिडेंट की हत्या के खिलाफ आक्रोश तेज हो गया है। प्रदेश में आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। जयपुर कहिए या बीकानेर, कोटा, सीकर समेत प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने कैंडल मार्च निकाला है और हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। हम आपको अवगत और कराना चाहेंगे कि हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि पहले से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई जाए। इन रेजिडेंट्स का कहना है कि देश के अधिकांश अस्पतालों में सुरक्षा का माहौल नहीं है और उन्हें हमेशा भय के वातावरण में ही काम करना पड़ता है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है और सरकार से उनकी मांग भी है कि देश भर के अस्पतालों में स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ भयमुक्त होकर काम कर सकें। रेजिडेंट्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएँ ही चालू हैं और वहाँ पर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स लापता हैं, यानी वो हड़ताल कर रहे हैं। सिर्फ सीनियर चिकित्सक और नर्सिंग अधिकारी ही ड्यूटी दे रहे हैं। नर्सिंग अधिकारियों के एसोसिएशन ने भी अब रेजिडेंट्स की हड़ताल को अपना समर्थन पूरी तरह से दिया है। पवन अटारिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए। तो पवन, नर्सिंग अधिकारियों की एसोसिएशन ने भी अब रेजिडेंट्स की हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है। पहला सवाल और बड़ा सवाल यह है कि अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, पवन, सीनियर चिकित्सक और नर्सिंग अधिकारी ही ड्यूटी दे रहे हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर लोगों को? बिल्कुल आदित्य, देखिए मैं इस वक्त संभाग अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आउटडोर में खड़ा हूं, जहां पर रोजाना करीब 12 से 15 हजार मरीज का यहां पर रोजाना इलाज के लिए यहां आना होता है। और ऐसे में जब रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है विभिन्न मांगों को लेकर और अपने जो प्रोटेक्शन बिल है उसको मांग को लेकर यहाँ पर इनकी जो हड़ताल है उससे सीधा सीधा जो असर है वो आउटडोर में जरूर देखा जा रहा है। जिस तरीके से रोजाना यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, मरीजों को प्रोफेसर और सीनियर डॉक्टरों द्वारा देखा जा रहा है, मगर जो उनकी संख्या है वो रेजिडेंट डॉक्टरों के जो संख्या है उनकी कम है। यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर करीब 700 के करीब हैं। तो ऐसे में जब ये हड़ताल पर है तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो चिकित्सकीय सेवा है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई है। जिस व्यक्ति को यहाँ पर आधा घंटा इलाज के लिए लगता था अब यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं और बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ पर देखी जा रही है। सबसे पहले जो अध्यक्ष है रेजिडेंट एसोसिएशन के चिकित्सक, उनसे हम बात कर लेते हैं। मीणा जी, अभी जो आपकी मांग है वो किस तरीके की है और आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है? सर, हमारा ये है कि हमारी बहन के साथ में ज्यादती हुई अथवा चार लोगों का मर्डर हुआ है, उनको न्याय मिले, जो लोग दोषी है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और न्यायपालिका उनको कठोर से कठोर सजा दे, जिससे कि एक सबक मिले समाज को। और अभी हमारा है कि वहाँ के प्रिंसिपल का अभी सस्पेंशन नहीं हुआ है और CBI जांच का अभी ऑर्डर नहीं निकले है, वो सब चीज को दर्ज किया जाएगा। उसी के बाद ही सारे राष्ट्रीय नेशनल लेवल का ये कार्य बहिष्कार है जिसमें हमें आम जन को परेशानी ना हो इसको देखते हुए इमरजेंसी सर्विसेज को बिल्कुल भी बंद नहीं किया है। हमारे यहाँ पे भी पेरेंट में इमरजेंसी सर्विसेज चल रही है और हमारे रेजिडेंट साथी ड्यूटी कर रहे हैं, रात में भी ड्यूटी किए हैं और दिन में भी ड्यूटी किए, 24 आवर हमारे इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर्स हैं
अकेला अजमेर में ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पूरे नेशनल लेवल पे भी सेम पॉलिसी अप्लाई जा रही है। अच्छा ये बताया, आप जो आपके समर्थन में कोई नर्सिंग स्टाफ या और चिकित्सक वगैरह आ रहे हैं? आज हमारे जो सीनियर रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, उनका प्रमोशन हो गया है। अभी इंटर्न डॉक्टर्स जो है, जिनको हम ट्रेनिंग डॉक्टर्स बोलते हैं एमबीबीएस के बाद में, वो लोगों का भी समर्थन अभी हम लोग मिले थे। उन्होंने कहा हम भी आपके साथ में साथ देंगे। अभी बताएं, आउटडोर में काफ़ी परेशानी आ रही है, मरीजों को बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। हम मानते हैं बड़ा प्रॉब्लम उनको सफर हो रहे हैं लोग, लेकिन हमने इसी वजह से हमारी इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रख रखा है। और हमारे रेजिडेंट साथी कम से कम 25% 50% रेजिडेंट साथी आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अभी ये जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी? हड़ताल नहीं, हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, है ना। हमारा काम ये है कि ये घटना ऐसा है कि शायद मेडिकल के साथ में हुई है, हमारी बहन के साथ ऐसा नहीं है। ये हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हुए, एक बार निर्भया कांड हुआ, ये उसी तरह का कांड है। हम चाहते हैं कि सभी सारे समाज का इसका ध्यान जाए और हमारा देश में एक ऐसा कानून लाया जाए जिस तरह की ऐसी हरकतें करने से कम किसी आदमी को एक डर तो बैठे। बस हमारा ये, हम किसी भी परेशान करना नहीं चाहते, आम जनता को हमारी तरफ से परेशानी हो। हमारा ये है कि उसको न्याय मिले बच्ची को, और ऐसे करने से पहले 10 बार आदमी सोचे। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जब इस चिकित्सक के साथ पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी, वहाँ पर जो दरिंदर ने उसके साथ रेप किया और उसके साथ मारपीट की, और जो उसका चश्मा था उस पर मुक्का मार दिया और उसके कांच थे वो आंखों में घुस गए, तो इस तरीके की जो निर्मम हत्या है उससे निश्चित तौर पर हर एक आदमी जो वारदात है उसको जब तोड़ कर रख दिया है, तो निश्चित तौर पर जब चिकित्सक है और चिकित्सकों का साथ यहाँ पर दे रहे हैं। आदित्य मैं आपको यहाँ पर आउटडोर में जो भीड़ है उसके एक बार यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में, रोजाना बड़ी संख्या में, ये देखिए आप, अब जो चिकित्सक हैं वो हड़ताल पर हैं, कार्य का बहिष्कार है, और जो अभी हालांकि 9 बजी है और जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ पर चिकित्सकों की जो भीड़ है, जो लाइन है वो यहाँ पर देखी जाएगी। आप देख सकते हैं इंतजार में बैठे हैं और ऐसी ही लाइन तमाम यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं दवाइयों के काउंटर पर भी भीड़ है और अंदर जो लाइन है वो काफ़ी लंबी है। इस वक्त तक जैसे जैसे समय बीतता है लाइन खत्म हो जाती है, मगर जो हड़ताल है, हड़ताल का असर सीधे सीधे यहाँ पर देख सकते हैं आउटडोर में साफ नजर आ रहा है। ये देखें में हर विभाग पर ऐसी ही लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। बात कर लेते हैं मरीजों से भी एक बार, किस तरीके की इनको समस्या आ रही है और कितनी देर हो गई भाई साहब, कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर आए हुए, अभी कितना टाइम और लग सकता है जिस तरीके से भीड़ है अभी? ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की भीड़ तमाम यहाँ पर हर वार्ड में, और जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हड़ताल के चलते कुछ मरीजों ने यहाँ पर इलाज लेना ही बंद कर दिया, नहीं तो इस वक्त तक बहुत लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर रहती थी। बाबू जी कितना टाइम हो गया आपको, अब कितना टाइम और लग सकता है? हड़ताल है डॉक्टरों की, क्या होना चाहिए आप आम लोगों को? क्या तकलीफ है? मेरे को सांस की तकलीफ है, दिव्य जी सब तकलीफ है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद बारा सर नाम जी। यहाँ पर देखिए पाराशर जी है, पेट की तकलीफ के लिए यहाँ पर खड़े हैं और सांस की तकलीफ के लिए इसी तरीके की, ये देखिए कुछ और, देखिए बुजुर्ग महिला है। माता जी कितना टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए, कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया, और क्या लग रहा है आगे कितना और टाइम लग सकता है? अभी हड़ताल है, और हड़ताल नहीं होती तो 15-20 मिनट में हो जाते, 15-20 मिनट हो जाते, और अभी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। क्या होना चाहिए? हड़ताल खत्म होनी चाहिए, और वहाँ पे किस वजह से हड़ताल हो रही है, ये उसका कोई ना कोई सारांश निकलना चाहिए ताकि हड़ताल खत्म हो और मरीजों की सुविधा हो। जी बिल्कुल, देखिए हर एक जो मरीज है उनकी मांग है कि हड़ताल खत्म होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो भी निष्कर्ष है वो निकले। ये देखिए एक छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर मरीज आए हुए हैं। वैसे कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, अभी और लाइन लगी हुई है, कितना टाइम लग सकता है? 1/2 घंटा लगेगा। बिल्कुल, ये देखा आपने जिस तरीके से आदित्य, तमाम जो विभाग है वहाँ पर इसी तरीके की लाइन यहाँ पर इलाज के लिए देखी जा रही है, और इसी ये ऐसी ही लाइन जो दवा काउंटर है वहां पर भी देखी जा रही है, अपने दवा के इंतजार में खड़े हैं। जी